वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहाँ पे रेजर ओएस के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको एम टू प्रो में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 12.6 बेस्ड आपको यहाँ पे रेजर ओएस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक कस्टम रोम है। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 मिल जाता है 1 जनवरी का, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे रेजर ओएस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पे आपको उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि वॉलपेपर्स देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स आपको मिल जाता है, सभी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो ड्यूअल 4G उल्टी यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटीडो बेंचमार्क स्कोर की बात कर लूँ तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटीडो बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,49,000, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है कम देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे आप बेशक परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस रोम में, उसी के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल 4G उल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद अबाउट फोन में बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पे 12.6 आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, जो कि 12.6 का। उसके बाद यहाँ पे ड्यूअल 4G वोल्टी, यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जो कि यहाँ पे एज लाइटिंग का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर आपको यहाँ पे सपोर्टेड है, जो कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि इसको आप ऑन करके यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो है यहाँ पे वॉलपेपर्स आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में कूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन इफेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एज लाइटिंग आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद स्लीप टाइम नेवा तक का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे राइज टू वेक, डबल टैप टू वेक, और यहाँ पे आप ऑफ भी कर सकते हो डबल टैप से, टैप फिंगरप्रिंट सेंसर टू वेक। उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू एक्सेस, उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट, साइड पैनल शॉर्टकट, उसके बाद जो है चार्जिंग एनिमेशन आप फ्लो ग्लो यहाँ पे वेव कर सकते हो। उसके बाद लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर जो है यहाँ पे आपको लाइट मोड, उसके बाद डार्क मोड का दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, सेम आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साउंड वाइब्रेट, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, अगर आप यहाँ पे चाहो तो कंट्रोल सेंटर, उसके बाद ओल्ड वर्जन आप दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाता है। स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि 4G को LTE कर सकते हो, LTE को 4G कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज को नेक्स्ट टू द आइकॉन रख सकते हो, नॉच को अगर आप यहाँ पे हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है, दोनों यहाँ पे वर्किंग है एज कम्पेयर टू MIUI। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल जाता है। उसके बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन, उसके बाद बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI। तो यहाँ पे आपको जो है फिक्स, जो कि बैटरी ड्रेनिंग एप्स जो कि देख सकते हो, आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो, जो कि एडजस्ट ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली आप उसको ऑन करने के बाद यहाँ पे बैटरी और बचा सकते हो। ऐप्स जो कि इसके अंदर आपको डेवलप का सपोर्ट मिल जाता है, ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में इतने सारे कस्टमाइजेशन है। उसके बाद स्पेशल आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि स्पेशल फ्यूचर। उसके बाद यहाँ पे जो कि स्क्रीन टाइम, जो कि यहाँ पे डिजिटल वेलबींग के बदले स्क्रीन टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद स्पेशल फ्यूचर गेम टू वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस, किड स्पेस, MIUI लाइट मोड। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो माइक्रो जी सेटिंग इसके अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद गूगल, उसके बाद अकाउंट सिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बता चुका हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे मोर ऐप में आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर्स भी मिल जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफी आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटोग्राफी इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में ये सॉन्ग्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, जो कि गूगल का कैमरा, बेशक आप यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक कैमरा आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे स्टॉक कैमरा में अल्ट्रा वाइड एंगल, यहाँ पे नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रो लेंस जो कि देख सकते हो, माइक्रो लेंस प्रो आपको यहाँ पे सभी मिल जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको जो MIUI में मिलता है कैमरा, इसी के अंदर भी सेम आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे वर्किंग आपको सभी मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। मोर में यहाँ पे 48 MP का, उसके बाद नाइट मोड, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे व्लॉग, सभी आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको स्टेबल OS मिल जाता है, जो कि यहाँ पे MIUI 12 से भी इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा HD के साथ है। उसके बाद बैलेंस के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए एक गेम प्ले कर लेते हैं। Reloading.
इन द लीड। तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लिया गया फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बेटर देन MIUI आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अगर आप ये रोम इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि वीडियो को जाकर देख के आप बेशक इस रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हो। सेम मेथड आप फॉलो कर लीजिए और यहाँ पे इस रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना है, सेम मेथड फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप बेशक आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि RazerOS जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे यहाँ पे पोको M2 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।